हेलो गाइस, रुचिर बोल रहा हूँ, ruchirgupta.co.in से। और ये वीडियो जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ, इसमें मैंने एक एनालिसिस निकाला हुआ है। और इस एनालिसिस के हिसाब से, जैसा कि आप ये टाइटल देख सकते हो, स्टैंडिंग अगेंस्ट द क्रैश, तो ये वीडियो जो है ये उन स्टॉक्स पे होने वाला है जिन्होंने 2008 और 1987 के क्रैशेस को आउटस्टैंड किया, विदस्टैंड किया या आउट परफॉर्म किया। ठीक है, जो मतलब कि क्रैश अगर आया 60% 70% का जो क्रैश आया था हमारा 2008 में, ऑलमोस्ट 63-65% का क्रैश आया था टॉप से, तो ऐसे क्रैश में अगर कोई स्टॉक -30% भी परफॉर्म करता है तो मेरे लिए तो वो आउट परफॉर्मर रहा। इवन अगर 63% अगर सेंसेक्स या निफ्टी गिरे थे, और कोई स्टॉक अगर 50% भी गिरा, मतलब क्या हुआ, वो निफ्टी से कम गिरा, तो मेरे लिए वो आउट परफॉर्मर है। बट 50% नेगेटिव एक पोर्टफोलियो में बड़ा डेंट है। तो मैंने कोशिश करी, क्या मैंने एक कोशिश करी जिसमें मैंने लिस्ट एक आइडेंटिफाई करी, जो 2008 का क्रैश था उसमें कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जो कि पॉजिटिव रिटर्न दे पाए उस 2008 के क्रैश में, या एटलीस्ट वो पॉजिटिव नहीं दे पाए तो कम से कम नेगेटिव 20% के अंदर अंदर रह गए, या नेगेटिव 10% के अंदर अंदर रह गए। ठीक है, तो ये जो देखिए, ये जानना क्यों ज़रूरी है उसका रीज़न मैं बताता हूँ। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है और ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में रहते हैं, क्योंकि हमें कई बार ऐसा होता है एज अ इन्वेस्टर नहीं पता होता कि मार्केट में क्रैश कब आने वाला है। कभी कभी क्या होता है, लग रहा होता है छोटा क्रैश है, छोटा करेक्शन आ रहा है, और धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाता है बहुत बड़े करेक्शन में। और तब तक जब तक कि 20-30% करेक्शन हो चुका होता है, तब लोगों को लगने लगता है कि अच्छा ये तो क्रैश है। तो अब इस वक्त सेम सिचुएशन लमसम हो रही है, ऑलरेडी सेंसेक्स या सॉरी निफ्टी जो है 11,600-11,800 लेवल से 10,000 को छू चुका है, और फिर अभी रिट्रेस कर रहा है। बट स्टिल वो लमसम हमारे पीक लेवल से 15% डाउन को टच कर चुका है, जो कि एक इंडिकेशन है कि हो सकता है करेक्शन में हम हो। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट पे कई सारे लोग हैं जो एग्जिट कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो से, मगर कई सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सपीरियंस नहीं होता और वो एग्जिट ही नहीं कर पाते। तो अब और सीधी सी बात है, यही सारे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में भी नहीं रखे जा सकते, क्योंकि हमको रिटर्न भी चाहिए। बट जो जनरली देखा गया है, ये देखा गया है कि क्रैशेस के टाइम पे वो स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं जिन जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग होते हैं। ठीक है, और कई बार जैसा कि हम मतलब अगर आप मार्केट में हो 2-3 साल से, तो आपको इतना तो सुनने में आ गया होगा कि FMCG या फार्मा के स्टॉक या IT के स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं मार्केट को जब मार्केट में करेक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल सी बात है, बट हमने कभी उसका डेटा प्रॉपर टेस्ट नहीं किया। तो इस वीडियो में मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपको दो इवेंट के टेस्टेड रिजल्ट दिखाने जा रहा हूँ। वैसे ये जो वीडियो है, या कह लीजिए ये जो टाइटल आप देख रहे हो, ये मेरी ई बुक का है जो आने वाली है। उसमें केवल मैंने 2008 और 1987 के ही क्रैशेस को नहीं एनालाइज किया है, कौन से स्टॉक्स उसके अगेंस्ट में खड़े हुए थे, बल्कि मैंने बहुत सारे दूसरे क्रैशेस, जैसे कि आपका 2015 वाला है, 2013 में एक क्रैश आया था छोटा सा, और 2011 में आया था, उसके अलावा 1998 में, 97 में, ऐसे जो क्रैशेज आए हैं उन कंडीशंस में कौन से ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जो अगर 5-6 क्रैशेज में भी, 6 क्रैशेज में भी अगर 4 बार भी पॉजिटिव रिटर्न दिया, या 4 बार भी खड़े रह गए मार्केट के अगेंस्ट में, तो वो मेरे लिए एक अच्छा स्टॉक है। तो ऐसे स्टॉक्स को हमने निकालने की कोशिश करी है इस ई बुक में। मैं निकालता जा रहा हूँ, और उसकी स्टडी में मेरे को टाइम लग रहा है, और ये बुक ई बुक लमसम लमसम 1 जनवरी को आ जाएगी, अवेलेबल रहेगी। तो अभी अगर आप चाहते हो तो इस बुक को बाय कर सकते हो। बाय क्या कर सकते हो, आप प्री बुकिंग कर सकते हो, जिसके लिए मैंने बहुत नॉमिनल प्राइस रखा है 999 का। एक बार ये रिलीज होगी 1 जनवरी को, तो वहाँ पे प्राइसिंग डिफरेंट होगी, मैं कुछ नहीं कह सकता, 1500 होगी, 1600 होगी, 2000 होगी, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता। मगर अभी प्री बुकिंग के लिए मैंने इसका प्राइस 999 रखा हुआ है, और इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप जाकर के बाय कर सकते हो इस बुक को। ठीक है, बुक को बाय कर लोगे, आपका ईमेल मेरे पास आ जाएगा, जैसे ही ये बुक कंप्लीट होती है आप लोगों को मेल कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये जानकारी थी इस बुक के बारे में। अब मैं आपको इसका प्रॉपर डेटा दिखाता हूँ, हिस्टोरिकल। ठीक है,
तो अगर आप इसको देखोगे तो ये मैंने 1987 के क्रैश में जिन स्टॉक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था उनका एक लिस्ट बनाया। साथ में मैंने ये भी कंपेयर करने की कोशिश की वहीं पे साथ में कि 2008 में इन स्टॉक्स ने क्या किया। तो सारे स्टॉक्स को मैंने देखा जिन्होंने पॉजिटिव में दिया रिटर्न, ये सब एक कैटेगरी के स्टॉक्स हैं। अब इनमें जब हमने देखा तो हमने क्या पाया कि ये तो पॉजिटिव है मगर इन सारे स्टॉक्स ने 2008 में क्या किया। 2008 में देखा तो यार ये कोई भी स्टॉक ठीक है, इसने आउट परफॉर्म किया अच्छी बात है, मगर कोई भी स्टॉक मार्केट में टिक नहीं पाया। ये एक है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर गुड्स, बट फिर भी 21% नेगेटिव मेरे लिए तो थोड़ा सा दिक्कत वाला है, तो मेरे को इसको हटाना है। क्योंकि देखो आप 1987 में जब आउट परफॉर्म कर रहे थे ये लोग तब तो इसका रिटर्न 17% ही था और ये 2008 में 21% नेगेटिव तक चला गया। यहाँ पे आप देखो ये एक स्टॉक है कोलगेट पामोलिव, FMCG का स्टॉक है, जिसने 1987 में तो 20% का नेगेटिव पॉजिटिव रिटर्न दिया बट 1% का ही नेगेटिव रिटर्न दिया 2008 में। अच्छा एक चीज़ और, 1987 के क्रैश की बात जो मैं कर रहा हूँ, इंडिया में उतना वैसा करेक्शन नहीं आया था 1987 में। US ऑस्ट्रेलिया वगैरह के मार्केट्स में बड़ा करेक्शन आया था, मतलब क्रैश टाइप का आया था, एकदम से पैनिक आया था। यहाँ पे 86 से ही मार्केट गिरती चली आ रही थी, ठीक है, तो 86 में भी गिर रही थी, लमसम 87 में भी गिर रही थी, बट एनालाइज करना ज़रूरी है क्योंकि 87 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है हमारे एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्रैश में इसकी गिनती होती है, ठीक है। तो अब इस केस में तो एक ही स्टॉक मेरे को निकल करके आया जो दिखा वो था हमारा कोलगेट पामोलिव, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 2008 में जो स्टॉक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया वो ये स्टॉक्स हैं, ठीक है। उसके बाद में अब आप देखो कि इन स्टॉक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया बट इनका हिस्टोरिकल 1987 का क्या रिटर्न था, ठीक है। तो वो अगर हम देखें तो इन तीन का ही डेटा अवेलेबल है, और मतलब ये दो ये तीन चार स्टॉक जो हैं नो डेटा, ये उस टाइम पे ट्रेड ही नहीं होते थे। तो अब उसके बाद में हम अगर देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 15% पॉजिटिव दिया 2008 में बट 1987 में -20%, तो मेरे लिए थोड़ी सी बात ठीक नहीं, मतलब मेरे को नहीं जचता ये स्टॉक उस हिसाब से। ऑल दो जब मार्केट में अगर 30-35% या 40% का करेक्शन आया और -20% ही ये स्टॉक गिरा तो इसने आउट परफॉर्म किया मार्केट को, बट 20% मैंने जैसा कि आपको एक और एग्जांपल पिछला दिखाया था ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, 21% 22% गिरा था, मेरे को ठीक नहीं लगा वो, तो इसको भी मैंने हटा दिया। ये ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मा का स्टॉक है, इसने 2008 में पॉजिटिव एक तो रिटर्न दिया और प्लस 1987 में भी नेगेटिव केवल 7% ही गिरा, तो ये मेरी नज़र पे चढ़ता है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो स्टॉक हो चुके हैं, एक मैंने बोला आपको कोलगेट पामोलिव जिसने कि पॉजिटिव दिया और एक लमसम नेग्लिजिबल नेगेटिव दिया, दूसरा केस ये वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक कंबाइंड लिस्ट बनाई हुई है जहाँ पे मैंने दोनों डेटा सेट्स को रख दिया है। उसके बाद में अब जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक मेरे को दिखते हैं वो हैं ये, और इन सारे स्टॉक्स में अगर आप देखो इन सारे स्टॉक्स में तो ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मा जो मैंने आपको दिखाया था 2008 की लिस्ट में, और कोलगेट पामोलिव जो कि हमारा 1987 की लिस्ट में पॉजिटिव था, यही दोनों स्टॉक बिल्कुल अलग से हैं, ठीक है। तो एक तो ये इनका टेम्परामेंट पता चलता है कि ये दो स्टॉक हमारे क्रैशेस जो होते हैं या कह लीजिए करेक्शंस होते हैं हमारे मार्केट में, उनको झेलने की या कह लीजिए उनको संभालने की क्षमता रखते हैं, मतलब झेलने की क्या, आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा संभालने की क्षमता रखते हैं, और ये दोनों ही स्टॉक FMCG और फार्मा सेक्टर के हैं। तो ये बात जो कही जाती है कि फार्मा IT एंड FMCG स्टॉक्स क्रैश के टाइम पे या करेक्शन के टाइम पे आउट परफॉर्म करते हैं, ये बात कहीं ना कहीं इस स्टैटिस्टिक से प्रूफ होती है, ठीक है। अच्छा
उसके पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा कि एफएमसीजी के ही लमसम, एफएमसीजी एंड फार्मा के ही लमसम लमसम स्टॉक्स हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया था 2008 के क्रैश में। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2008 के क्रैश में उन स्टॉक्स को लिया है जिन्होंने नेगेटिव 10% भी अगर रिटर्न दिया तो मैंने उनको इंक्लूड कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये वो स्टॉक्स हैं। अब इनमें ज़्यादातर फार्मा और एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं। ठीक है, आईटी हालांकि नहीं दिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, और यहाँ पे 87 में कहानी वो नहीं है, यहाँ पे हैं एफएमसीजी के स्टॉक, मगर ऑटो एंसिलरी और ऑटो से रिलेटेड स्टॉक्स मेरे को थोड़े से ज़्यादा दिखे। ठीक है, तो हो सकते हैं कुछ और रीजंस भी, बट हैं एफएमसीजी और फार्मा के भी स्टॉक्स हैं इसमें केस में। ठीक है, तो अभी हमने जो निकाला, एक क्रक्स जो निकाला स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे भी जो क्रक्स निकाला वो है आपका कि ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मा ये जो कंपनी है और कोलगेट पामोलिव जो कंपनी है एफएमसीजी में, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इसके, साबुन आते हैं, मंजन आते हैं, पाउडर्स आते हैं। मेरा एक फ्रेंड था गुड़गांव में, वो हमेशा क्या करता था, कोई भी प्रोडक्ट खरीदता तो उसमें देखता ज़रूर था किसने बनाया इसको, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने बनाया, डाबर ने बनाया, कोलगेट पामोलिव ने बनाया है, और वो उसके बेसिस पे बहुत कुछ एनालिसिस कर डालता था ऐसे ही बैठे बैठे। वो स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करता था, बट वो मार्केट शेयर किसका कितना क्या हो रहा है वो बड़ा इन सब की स्टडी करता था, केवल प्रोडक्ट्स को बाय करता था और उनके लेबल के पीछे देखता था कि किसने बनाया इसको। तो अल्टीमेटली अभी क्या है, जो मैंने आपको दिखाया उससे एक एनालिसिस निकल के आया। देखिए, ये एनालिसिस मैंने निकाला है, आप भी चाहो तो निकाल सकते हो ऐसे, मतलब आपको जा करके करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन कौन से पीरियड्स थे जहाँ पे मार्केट ने करेक्शन किया, एटलीस्ट 25% नेगेटिव रही मार्केट, और फिर उस टाइम पे आप देख लो जा करके कि उस टाइम पे पॉजिटिव स्टॉक्स कौन से थे। ठीक है, तो अभी के लिए अभी ये बुक, ई बुक कम्प्लीट नहीं है, ये कम्प्लीट लमसम मेरे को लग रहा है कम से कम और 10 दिन लेगी, तो अभी मैं काफ़ी काम तो इस पर कर चुका हूँ, तो अभी के लिए तो बस आप उस लिंक को देख सकते हो। बाकी मैंने आपको मेजर इन्फॉर्मेशन दे दी है। इस बुक का नाम है स्टैंडिंग अगेंस्ट द क्रैश, ठीक है, एनालिसिस ऑफ इंडियन स्टॉक्स दैट स्टूड अगेंस्ट द क्रैशेज एंड करेक्शंस इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स। अच्छा, आप इस शंका में ना रहिएगा कि ये स्टॉक जो एनालिसिस मैंने किया है 1987 और 2008 का ही किया है। इस ई बुक में मैं बहुत सारे क्रैशेस को लेकर के आ रहा हूँ जहाँ पे मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया निफ्टी या सेंसेक्स ने, और उसके अगेंस्ट में इन स्टॉक्स ने क्या परफॉर्मेंस किया, और उनमें से कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो ऊपर उठ गया है। ऊपर उठ गया है मतलब एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ। एक बंदा होता है आलू की मंडी में, वो आलू जो है 3 साइजेस में बिकते थे, बड़े आलू का ज़्यादा कीमत रहता है, ठीक है, और छोटे आलू का कम कीमत रहता है, मीडियम साइज़ के आलू का मीडियम कीमत रहता है। तो वो बंदा जो है, बहुत सारे लोग जो आलू मंडी में काम करते हैं वो हमेशा आलू को छांटने में ही इतना टाइम लगा देते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं, उनकी मेजर कॉस्ट जो आ रही होती है आलू की छटनी में आ रही होती है। तो ये बंदा जो होता है, ये इसका एक भी पैसा नहीं लग रहा होता आलू की छटनी में। तो बहुत सारे लोग इससे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तू ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से तुझे आलू छांटना नहीं पड़ता है। तो वो बंदा एक जवाब देता है जो मुझे आज तक, मतलब जो मैंने स्टोरी पढ़ी थी मुझे आज तक इसीलिए याद है क्योंकि ये बड़ी अलग स्टोरी है और काफ़ी बड़ी एक इसके अंदर सीख छुपी हुई है। उसने एक चीज़ बोली, कहता है कि मैं अपने ट्रक को एक ऐसे रास्ते से लेकर के आता हूँ जो बहुत ही मुश्किलों भरा है। मुश्किलों भरा है मतलब ऊबड़ खाबड़ है, टेढ़ा मेढ़ा रोड है। तो जब ऊबड़ खाबड़ रोड पे मैं लेकर के जाता हूँ अपने ट्रक को, और ये जो ख़राब सा रास्ता है जो मतलब मेंटेन नहीं है, जैसा भी रास्ता है इससे कुछ किलोमीटर मैं इस पर ट्रक चलाता हूँ, तो होता क्या है कि जो छोटे छोटे आलू हैं वो नीचे चलते चले जाते हैं, धंसते चले जाते हैं पूरे ट्रक में, और जो बड़े बड़े आलू हैं वो ऊपर रह जाते हैं। तो इसी तरीके से जब मुसीबत आती है तो जो मुसीबत के अगेंस्ट चलने वाले लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो ऊपर रह जाते हैं, और जो डरते हैं, जो संकोच करते हैं, या जो आगे नहीं बढ़ना चाहते या मेहनत नहीं करना चाहते, वो थोड़ा सा नीचे चलते चले जाते हैं। और उसी बेसिस पे बड़ा आलू और मीडियम आलू और छोटा आलू, सारा का सारा उसका छटनी हो जाता है 3 लेवल्स में उसके ट्रक के अंदर। तो ये बात जो मैंने आपको बताई, मैंने इसलिए बताई क्योंकि मेरे को बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ याद हैं, मगर वो हमें कहीं ना कहीं कैसे मदद कर जाएं, तो उनमें से ये एक उदाहरण है हमारे सामने, जहाँ पर कि ऐसे भी कुछ स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए जो कि किसी तरीके के ऐसे ऊबड़ खाबड़, मतलब ऊबड़ खाबड़ मतलब मार्केट करेक्शन या कह लीजिए डिक्लाइंस कह लीजिए, करेक्शन कह लीजिए, क्रैशेस कह लीजिए, इनको
झेलने की क्षमता रखने वाले ये स्टॉक्स मेरे लिए वो बड़े आलू हैं। ठीक है, आलू थोड़ा सा कहना हंसी वाला लगता है, बट यहाँ पे यही बात लागू हो रही है। तो हमें वो लीडर्स मार्केट के छांटने हैं, या कह लीजिए चूज़ करने हैं, जो हमें पता होने चाहिए, जो हमें बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं आने वाले अनसर्टेन टाइम्स में, या क्रैशेज में, या करेक्शंस में। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरे को लगता है कुछ नहीं तो आपने बहुत कुछ सीखा है इस वीडियो से, और एक एनालिसिस, एक स्टैटिस्टिक्स का तरीका जो मैं हमेशा सिखाता हूँ, समझाता हूँ, एक जो लॉजिकल वे होता है किसी भी चीज़ को, केवल ऐसे ना बिलीव कर लेना और एक प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे बिलीव करना, ये मैंने हमेशा से किया है। और इसी के ही बेसिस पे मेरी साइकिल्स हैं सारी, और इसी के ही बेसिस पे सारी चीज़ें मैं एनालाइज करता हूँ, जो आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ वो भी इसी बेसिस पे लेकर के आ रहा हूँ। तो मेरे को लगता है आपको इन्जॉय किया होगा आपने ये वीडियो। अगर किया हो तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आप क्या चाहते हो इस वीडियो ई बुक में, और क्या चाहते हो इंक्लूड करना। हो सकता है मैं मिस आउट कर रहा हूँ, आप बोल दो। हो सकता है वो चीज़ मैं इंक्लूड ऑलरेडी कर चुका हूँ, हो सकता है मैं इंक्लूड कर लूँ अगर आप बोलो तो। ठीक है, तो एक और चीज़ बताता हूँ इसमें मैं क्या करने वाला हूँ। एक चार्ट तो मैं ऐसा बनाऊंगा लमसम उस स्टॉक का जिसको अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे वो चार्ट नहीं है जिसमें कि वो स्टॉक का परफॉर्मेंस विज अ विज, मतलब इन कंपैरिजन टू निफ्टी का या सेंसेक्स का चार्ट का कंपैरिजन, दोनों को मैं एक ही चार्ट में दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि देखो हुआ क्या मार्केट में, जब गिर रही थी मार्केट तब इसने कैसा परफॉर्म किया, क्या हुआ, वो प्रॉपर आपको दिखेगा उसमें। तो हर एक स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगा उसका एक ऐसा चार्ट जरूर होगा उसमें, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये एक स्टॉक है जो मतलब काम का है अपने। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, चलिए बाय।